ओके, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अगर याद है तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी करके चैप्टर था, चैप्टर 5, उसमें आपको ऐसा कुछ इक्वेशन दिया था y = 3x + 2। इसके ऊपर से आपको बोलते थे कि प्रूव दैट, प्रूव दैट d2y / 3x² = 0। तो आपको करना क्या था वहां पे, ये y को कितनी बार डिफरेंशिएट करना था, दो बार। तो पहले dy / dx करेंगे, dy / dx = क्या होगा 3, एंड d2y / dx² करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ओके, दूसरा आपको ऐसे भी बोल सकते थे कि जैसे सपोज d2y / d2y / dx², d2y / dx² + 3 plus 3 into dy / dx minus 3 is equal to 0 minus 9 is equal to 0। अगर ये आपको प्रूव करने के लिए बोलेंगे तो आपको क्या करना है, dy / dx फाइंड करो, d2y / dx² फाइंड करो, वो दोनों फाइंड की हुई वैल्यू रखो इधर, 0 plus 3 into क्या हो गया, what is dy / dx, 3 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 जा 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाना है, राइट हैंड साइड पर। सो ओवरऑल ये जो फॉर्मेट आपने बनाया है, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली, फैमिली ऑफ लाइन, कौन सी, 3x plus 2, y is equal to 3x plus 2 की फैमिली, वो कौन सी होगी, वो फैमिली वो लाइंस है, दिस लाइंस, से सपोज y is equal to 3x plus 2 ये लाइन होगी सपोज, बराबर। तो इसके पैरेलल जितने भी लाइन होगी ना वो सारी उसकी फैमिली है, फैमिली ऑफ द लाइंस। अब इतनी सारी लाइन को लिखना है तो कितना इक्वेशन लिखोगे आप, तो उसको थोड़ा समझने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसे फॉर्मेट में भी लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, d2y / dx², ऐसे बहुत सारे हैं एग्जांपल्स के। सपोज अगर हम सर्कल, सर्कल का इक्वेशन हमें पता है x² + y² = a², अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कितनी बार करना है वो पता कैसे चलेगा, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, आर्बिटरी कॉन्स्टेंट इधर कितना है a, मतलब आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, व्हाट डू मीन बाय आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट तो है लेकिन कौन है वो पता नहीं। आगे जो मैंने एग्जांपल लिखा था वो पर्टिकुलर वैल्यू थी, पर्टिकुलर वैल्यू का मतलब फिक्स 3x + 2, वी नो दैट इज 3 एज अ कॉन्स्टेंट, वी नो दैट दिस इज 2 एज अ कॉन्स्टेंट, तो ये जो होती है वो पर्टिकुलर वैल्यू होती है। अगर हम y x square plus y square equal to a square, what is this? What is x square plus y square equal to a square? What is this? Equation of circle. ये क्या है? Equation of circle है। उसमें arbitrary constant कितना है? A. तो इसको कितनी बार differentiate करेंगे? Only one time. To get the differential equation, so the differential is for only one time as if there is only one arbitrary constant. कितने arbitrary constant है? One. So what is x square? 2x plus 2y dy by dx is equal to 0. 2 को कॉमन निकाल के फाइनल x plus y dy by dx is equal to 0. This differential equation of the family of circle with center 0, 0, radius a. अब radius a है तो इसके अलग अलग radius आ सकते हैं. This is one circle. This is another circle. This is another circle. Center hoga fix. Center is fix and that is 0, 0. So these are called the family of circle. And its differential equation kya hai? Here. Yeah. So ye sare equation ko represent karta hai equation kaun sa hai? 2x matlab x plus y divided by dx equals to 0. This is your differential equation of the family of circle with center 0, 0, radius a. एक ही अलग अलग वैल्यू होगी, आर्बिट्री वैल्यू, इट विल बी 1 2 3 4 बहुत इजी है।
जब से देखो डेरिवेटिव ही करना है। चलो अगर हम इलिप्स का इक्वेशन देखें, चलो यहाँ से इलिप्स का इक्वेशन अगर आपको याद है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इलिप्स के इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। एमसी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक खासियत है, दिमाग में रखो, डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नहीं चलता। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कोई ए एंड बी होना चाहिए नहीं, यू शुड नॉट गिव ए एंड बी इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हमें कुछ भी करके ए एंड बी को निकालना है एंड डिफरेंशियल कितनी बार करना है दो बार, बस इतने लॉजिक पर पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्या डिफरेंशियल कितनी बार करना है वो एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को रिमूव करो। तो ये कौन सा है, चलो यहाँ पे मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करता हूँ, व्हाट इज माय फर्स्ट डेरिवेटिव 2x अपॉन क्या होगा a स्क्वायर, दिस विल बी 2y डिवाइड बाय dx अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा जीरो। नाउ बिफोर आई गो फॉर सेकंड डेरिवेटिव इफ आई विल नॉट मूव आर्बिट्री कांस्टेंट ऑन वन साइड देन आई विल नॉट बी एबल टू रिमूव आर्बिट्री कांस्टेंट फर्दर। और मैंने क्या है, अगर मैंने यहाँ पे सीधा डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर कर दिया तो ए एम डी को निकले नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ भी करके यहाँ से ए बनाओ फिर से रखो, बी बनाओ फिर से रखो, ये करना नहीं। क्या करेंगे यहाँ से इसको अभी से मूव करके ए एम डी को सेपरेट करो। चलो एक तो टू पिक्चर से बाहर इज एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन डी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इज एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू करके माइनस वाई डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को ऊपर ले लो, यहाँ भी बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को ऊपर ले लेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी एक्स एंड इज इक्वल टू हो जाएगा वाई बाई एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, हो गया कॉन्स्टेंट साइन पे। ओके सो जितना होता है उतना कर लो, अगर ये हुआ तो ये कर लिया, चलो ये नेक्स्ट डेरिवेटिव ये तो अकेला कांस्टेंट है जीरो। ओके यहाँ से चलो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव तो ये तो हो जाएगा जीरो, ये हो गया यू इंटू वी, फिर से ये यू बाई वी भी है और मैं था ये यू बाई वी इंटू ये पूरा एक टर्म है डी वाई बाई डी एक्स। अब चलो पहले ये है यू ये है वी, तो यू एज इट इज मतलब वाई बाई एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स का सेकंड डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, वाई बाई एक्स का होता है नीचे एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स आराम में, जब तक यू बाई वी नीचे क्या है एक्स का स्क्वायर ऊपर एक्स आराम में, वाई का होता है डी वाई बाई डी एक्स माइनस माइनस y and x का डेरिवेटिव होता है y इक्वल टू तो ऑलरेडी जीरो लिख दिया हमने, किसी को कोई दिक्कत u into v किया एंड ये क्या था u by v था, दिस इज फॉर दिस वाज u by v, सो फर्दर यहां से आगे तो दिस विल बी इक्वल टू y by x स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस इसको अंदर ले लेते हैं एंड चलो यहां पे x स्क्वायर है, सो नेक्स्ट टाइम इंक्रीज करता हूं डीवाई बाई डी एक्स को अंदर, और ये डिनोमिनेटर में कौन है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन है एक्स, टेक एलसीएम एज एक्स, यहाँ पे एलसीएम एक्स ले लो, तो ये एक्स कहाँ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ऊपर, यस और नो आर यू गेटिंग द पॉइंट, फिर से देखो ये इक्वेशन से आगे बढ़ने से पहले इज इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये होता है डीवाई बाई डी एक्स, ये क्या है एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से ये x into x क्या होता है x square LCM दिया है इसलिए, चलो तो ये होगा x y d square y by d x square plus dy by dx into x, so x dy by dx whole square minus y dy by dx whole upon x square होता है, लेकिन वो किसके पास चला जाएगा, this is your differential equation, this is the differential equation of the family of ellipses,
जिसमें आपको कैन यू सी एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, डू यू सी एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दिख रहा है? नहीं, इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर एंड डिग्री, पहली आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें ऑर्डर ऑर्डर एंड डिग्री पे बात चल रही है। ऑर्डर क्या है? चलो ऑर्डर मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट किया, दो बार, उसका हाईएस्ट पावर कितना है उसकी वो डिग्री होगी। तो पहली एक्सरसाइज में कई एग्जांपल है जिसमें आपको सिर्फ ऑर्डर एंड डिग्री पहचाननी है, तो उसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन दिया है एंड अभी डिराइव करके दिखाया बराबर, उसमें थोड़े रूल्स है लेकिन ये खत्म होने के बाद वहाँ पे जाए। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स, ओके, विद इलिप्स की फैमिली कैसी होगी, ये एक सर, ओके, और थोड़े कलर, ओके, सो दिस आर सम फैमिली ऑफ द इलिप्स, थोड़ा प्रॉपर ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट ये लाइन एंड ये लाइन। सो बहुत सारे एलिप्स है जिसका वर्टेक्स सेंटर 0-0 होगा एंड अलग अलग वर्टेक्स आ सकते हैं, ओके, सो दिस आर सम, सो इफ यू हैव पैराबोला ऑफ दिस रेंज, से सपोज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट कैन यू सी, ओनली वन एंड दैट इज a, 4 इज नॉट आर्बिट्ररी, 4 आर्बिट्ररी नहीं होता, ये आर्बिट्ररी है, राइट, सो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 2y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 4a, अब a को 4a को सब्जेक्ट बना लो और इसको अंदर रख दो, इसलिए करके 4a निकालो, तो आइदर यू गेट 4a, 4a को यहाँ से y स्क्वायर बाय x डाल दो इधर तो भी चलेगा, 2y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा, y स्क्वायर बाय x, सो ये एक y गया, तो हमारा इक्वेशन फाइनल हुआ 2 डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू y बाय x, इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली, फैमिली ऑफ पैराबोला विद डिग्री, ऑर्डर कितना, ऑर्डर ऑर्डर जितनी बार डिफरेंशिएट किया वन टाइम और उसका ही हाईएस्ट पावर कितना है, सो डिग्री, अगर बाजू में अगर यहाँ पे क्यूब भी होगा तो भी डिग्री किसकी देखनी है, जिसका ऑर्डर हाईएस्ट है इसकी डिग्री, ओके, जिसका ऑर्डर हाईएस्ट है उसकी डिग्री, तो अगर इतना समझ में आप नोट करके क्या लिख रहा है, सी नोट, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन डू नॉट हैव, do not have arbitrary constant, do not have any arbitrary constant, also it should not be have, it should not have, should not have radicals, radicals का मतलब root और fractional, फ्रैक्शनल डिग्री या फिर पावर, डिफरेंशियल इक्वेशन के पावर में, जैसे पॉलिनोमियल आप पढ़े थे, पॉलिनोमियल का क्या केस है, पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0, उसकी कभी पॉलिनोमियल में यू कैन नॉट से x इज टू 1 बाय 2 इज अ पॉलिनोमियल, बिकॉज उसके पावर में क्या है, ये रेडिकल है और फ्रैक्शन, रेडिकल एंड फ्रैक्शन डू नॉट मेक अ पॉलिनोमियल, सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशन का भी यही नेचर है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में रेडिकल्स एंड रूट अलाउड नहीं है, ओके, जब भी उसका आप डिग्री फाइंड नहीं कर पाओ, ऑर्डर मिल जाएगा, अगर सब इसे तो साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू से सपोज एक्स, अब हियर इट इज सी डी वाई बाई डी एक्स सिंपल था इसलिए चलो एक्स प्लस वाई स्क्वायर, चलो ये है, नाउ आई कैन नॉट रिमूव साइन, साइन को मैं उधर लेके साइन इनवर्स नहीं लिख सकता, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का क्या होगा, सो इन दिस केस साइन, साइन डिवाइड बाय डीएक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इन दिस केस ऑर्डर, ऑर्डर इज वन, डिग्री इज नॉट डिफाइंड,
degree of differential equation is not defined. तो अगर जब भी आपके पास कंपोजिट फंक्शन होगी और ये फंक्शन निकलता नहीं है तो अगर से ओनली ये होता साइन ऑफ डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स तो मैं क्या कर लेता डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स तो ये क्या है ऑर्डर ऑर्डर इसका क्या होगा ऑर्डर विल बी वन एंड डिग्री उसकी मिलेगी डिग्री विल बी वन तो ये है एनीवे सी द एग्जांपल वन व्हाट इज इफ इक्वेशन देखिए एंड टेल मी चलो इसका डिग्री क्या है व्हाट इज द डिग्री पहले ऑर्डर चेक करो व्हाट इज द ऑर्डर ई क्यूब बाय इसका ऑर्डर है 3 एंड वही ऑर्डर का हाईएस्ट डिग्री क्या है डी इज इक्वल टू 1 एनी प्रॉब्लम फर्स्ट एग्जाम्पल इज थर्ड देखिए थर्ड को बात करो सेकंड सेकंड में सर रेडिकल है नहीं चलेगा लेकिन कैन यू गेट बिकम रेडिकल पहले ये चेक करो इज द रेडिकल गेटिंग रिमूव्ड और नॉट यस इट इज हैपनिंग सो क्या करेंगे इसमें देखो दिस इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल रेस टू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एनी प्रॉब्लम यहाँ जो क्यूब रूट था वो हटता है तो हटाओ अगर नहीं निकलता है तो डिलीट कर ओके सो इन दिस केस ऑर्डर ऑर्डर विल बी 2 एंड डिग्री डिग्री विल बी 3 वेरी गुड चलो दिस इज ऑर्डर 2 डिग्री 3 नेक्स्ट इज थर्ड वन चलो x e रेस टू dy बाय dx प्लस dy बाय dx प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अब सी यहां पे पावर के अंदर कंपोजिट फंक्शन डाल दिया e-x होना चाहिए था उसके बदले क्या कर लिया e-dy बटे अब लॉग देके ये आगे तो उतरेगा नहीं लॉग देने जाओगे तो ये फिर से लॉग में फंस जाएगा लॉग का एडिशन तो होता नहीं है तो इसका ऑर्डर डिफाइन है ऑर्डर इज 1 डिग्री डिग्री इज नॉट डिफाइन क्यों ऐसा एक एग्जांपल है पीछे आएगा कि से सपोज सी e रेस टू है अगर dy by dx dy by dx is equal to suppose y ऐसा सिंपल फंक्शन है तो इसके ऊपर लॉग लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा dy by dx आगे आएगा so this will be dy by dx log e to the base e क्या होता है 1 is equal to log y अब इसमें कोई दिक्कत नहीं इसका ऑर्डर भी डिफाइन है और डिग्री भी डिफाइन है लेकिन यहाँ पे लॉग देके आप कुछ ये पावर जो उसको उतार नहीं पाओ फिर से कंपोजिट बनेगा और मैं कहा फिर से कंपोजिट फंक्शन बना ये लॉग बाय कंपोजिट नहीं है लॉग बाय सिंपल फंक्शन इज इट क्लियर सो हियर इन द केस ऑफ थर्ड एग्जांपल आई मेंशन द आंसर हियर एज ऑर्डर इज 1 डिग्री इज नॉट डिफाइंड इन केस ऑफ थर्ड चलो फोर्थ क्वेश्चन की बात चल रही है सीधा है बोलो क्या होगा ऑर्डर क्या होगा इसका 2 डिग्री इज 1 अब फोर कई लोग फोर आंसर लिखेंगे मैंने पहले भी मेंशन किया जिसका हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर है हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर क्या है आपको पता होना चाहिए ओके फर्दर लास्ट सीधा आंसर है बोलो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज ऑल फाइव आर डन एग्जांपल ओके एक सॉल्व एग्जांपल ओके सो फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट एग्जांपल फटाफट बोलो चलो ऑर्डर 2 डिग्री 1 यहां पर रूट है तो कैन यू गेट इट ऑफ रूट फर्स्ट ऑफ ऑल यस स्क्वायर हो जाएगा सो ये होगा x प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर एंड उसका पावर क्या होगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस y अब इसका एक्सपेंशन करना तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x dy by dx whole square plus dy by dx whole raised to 4 is equal to 1 plus y. चलो अब इसका ऑर्डर क्या है डिग्री क्या है ऑर्डर 1 डिग्री हाईएस्ट डिग्री देखनी है सो ये इसका आंसर ऑर्डर इज 1 डिग्री इक्वल टू 4 हाईएस्ट डिग्री देखनी है ऑर्डर नो डाउट सेम है लेकिन उसकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है सो दिस इज डन नाउ
ये कंपोजिट फंक्शन है। देखो अगर आप उसको हटाओगे भी बी स्क्वायर वाई वाले को, तो फिर से साइन इनवर्स निकालने जाएंगे तो क्या होगा, आपका कंपोजिट ही बनेगा। सो इसका क्या होगा, ऑर्डर इज टू, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। फोर्थ एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल इज हियर, सी y रेस टू dy बाय dx इज इक्वल टू x, log लगाएंगे तो ये होगा dy बाय dx log x, सॉरी log y इज इक्वल टू log x। ओके सो ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 1। फोर्थ एग्जांपल, फिफ्थ बोलो, सिंपल आंसर है, ऑर्डर इज 3, डिग्री इज 2, ऑर्डर इज 3, डिग्री इज 2। इसको ले लेते हैं, चलो सेवन एलसीएम ले लो, इसी से एलसीएम इट विल बी व्हाट, डी बाय बाय डी एच होल स्क्वायर प्लस एच इज इक्वल टू 0, ऑर्डर 1, डिग्री बात कर लेते, सीधा आंसर है, बोलो ऑर्डर 2, डिग्री 1। चलो कौन बाकी रहा, सिक्स एग्जांपल, चलो क्या होगा, क्यूब रूट है यहाँ पे स्क्वायर रूट है और दोनों आप पावर हटा सकते हो, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे होगा डी वाई बाई डी एक्स होल रेस टू 3। चलो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज 2 डिग्री, ये रहा जिसको वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो उसका ऑर्डर रहेगा 2, डिग्री रहेगी 2। सिक्स इज द 8, ऑर्डर 3, डिग्री 2, लास्ट ऑर्डर 2, डिग्री 3 हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.1 इज ओवर, ओके go ahead. Okay, so can you see this equation, y is equal to 2x plus 3, how many arbitrary constant are there, only one, ek baar differentiate karo, you will get the family of line, kya tha, dx, dy by dx is equal to 2, is the differential equation, arbitrary hai usme, can you see arbitrary constant, 2 is not arbitrary, c nikal gaya ke nahi, so your differential equation is this, dy by dx is equal to 2, ओके फर्दर स्टूडेंट्स दिस आर एग्जांपल, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल विद सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर सेंटर है तो उसका पॉइंट क्या होगा, ए जीरो होगा कि नहीं होगा, तो इसका इक्वेशन क्या बना जिसका सेंटर ए जीरो है, रेडियस क्या हुआ 1 यूनिट, रेडियस इज गिवन, आर इज इक्वल टू क्या दिया 1 यूनिट, तो x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज योर इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर लाइंग ऑन x एक्सिस एंड रेडियस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 टाइम x माइनस a प्लस 2y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 0, 2 को कॉमन निकालो कैंसिल, तो ये होगा x माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2y डिवाइड बाय dx, टू कैंसिल कर लिया तो इट विल बी y माइनस y डिवाइड बाई डी एच, मतलब x माइनस a के बदले ये है और आपको x माइनस a का फॉर्म पता है इक्वेशन, तो वही x माइनस a सीधा रखो इधर, उसका स्क्वायर है, तो इट विल बी नथिंग मोर देन माइनस y डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये क्या हो जाएगा बोलो, इम्प्लाइज करके y स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल होल सेंटर इज ऑन x एक्सिस
and radius is 1 unit. चलो टाइम बचा लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है, सेंटर क्या होगा ए ए, क्योंकि यहाँ से ये और यहाँ से ये ए ही रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस को टच करता हुआ सर्कल अगर लिखना है तो ये है हमारा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर is the equation of the circle touching both the axes. 11 में आ गया। अब यहाँ से इसका differential equation बना। पहले तो ये आएगा तो d बनेगा। differential equation में ऐसा तो होगा नहीं कि आपको direct बोल देंगे circle, इस circle का बनाओ। आपको circle का equation, parabola का equation, series का equation आना चाहिए। Okay? So यहाँ से first derivative करेंगे तो it will be 2 times x minus a plus 2 times y minus a dy by dx is equal to 0. Differentiate एक ही बात करना है। बराबर। अब arbitrary constant निकालो। कैसे निकालेंगे arbitrary constant? So यहाँ से 2 को पहले common निकालो। So 2 is out. This 2 is out. This 2 will get cancelled. अब मुझे क्या करना है? X minus a is equal to minus y minus a. ऐसा नहीं, चलो पहले क्या करता हूँ मैं ए को सेपरेट करूँ। चलो कुछ भी करके ए बनाओ और ए की वैल्यू रखो अंदर, बराबर। तो इसके ऊपर से ए क्या बनेगा? सो एक्स माइनस ए प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स माइनस ए डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस ए डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ए को सब्जेक्ट बना लो और हटा लो उस साइड पे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। उस साइड पे लेके ए को कॉमन, तो क्या बचा? वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स। सो इसको डिनोमिनेटर में ले लो, सो एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए। ए मिल गया है। और ए को कहाँ पे रखेंगे? पहले नंबर वन, हमें कुछ भी करके डिफरेंशियल बनाना है और ए चाहिए नहीं, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं चाहिए। तो आर्बिट्री कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? मेन जो इक्वेशन है हमारा उसके अंदर ए रखेंगे। अब लेंथी है लेकिन इजी है, कोई इशू नहीं है। This is x minus, what is it? X plus, bracket के साथ, x plus y divided by dx upon 1 plus divided by dx whole square plus y minus x plus y divided by dx upon 1 plus divided by dx होल स्क्वायर इज इक्वल ए की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन वन प्लस डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर। से दिख रहा है हार्ड इस पर ये क्या हो रहा है, लेकिन करना सिंपल लॉजिक है। ए बना के रखा हमने, ए की वैल्यू का इक्वेशन में डाल। अब यहाँ पे ब्रैकेट समझ के करना है, नहीं तो स्क्वायर कर देंगे गलत हो जाएगा। यहाँ से होगा क्या? देखो यहाँ से सी, इसके नीचे कुछ नहीं है वन, इसके नीचे कुछ नहीं है वन, एलसीएम में क्या आएगा? वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर बाद में होगा। समझ में आता है? ये ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? वन इंटू एक्स इज एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 1 plus dy by dx whole square plus y in y into 1 is y plus y dy by dx minus x minus y dy by dx upon 1 plus
dy by dx whole square. Any problem? वैल्यू रखी है फिर मैथमेटिक्स बता रहा हूँ उतना मैथ्स आता ट्वेल्थ तक आ गए हो। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, चलो एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर और उसका स्क्वायर है, ये डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर ये है, तो ये सब क्या हो जाएगा कैंसिल बचा क्या। चलो यहाँ पे कौन कैंसर y डिवाइड बाई dx इज कैंसर, यहाँ पे कौन कैंसर प्लस x माइनस x इज कैंसर, तो ये बचा है x माइनस y इनटू डिवाइड बाई dx होल स्क्वायर। सो कैन यू राइट दिस एज डिवाइड x माइनस y डिवाइड बाई dx होल स्क्वायर प्लस y माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y डिवाइड बाई dx square is the differential equation of the family of circle touching both the axes. सबसे पहले तो सर्कल कौन से है पता आपको, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, x एक्सिस को सिर्फ ओरिजिन पे टच कर रहा है, मतलब सर्कल ये हुआ, इधर ऊपर ऐसे नीचे एक्स एक्सिस को टच करेगा ओरिजिन पे, ओरिजिन पे ही टच करेगा सर, ओरिजिन के अलावा दूसरे पे भी टच करेगा तो वो टच नहीं करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा। इफ यू से सपोज आप अगर सोच लो कि आप अगर एक्स एक्सिस को ऐसा करने वाला टू ड्रॉ अ सर्कल ऐसा, एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे भी टच किया लेकिन एक्स एक्सिस को दूसरे पॉइंट से भी टच कर सकते, ये सर्कल कौन से वो समझना जरूरी है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल आई हैव ड्रॉन हियर, सेंटर क्या होगा इसका ए जीरो जीरो ए सॉरी सेंटर क्या होगा जीरो है। सो व्हाट इज द इक्वेशन, रेडियस क्या दे रहे थे आर इज इक्वल टू से सपोज ए, सो एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है टू एक्स, टू टाइम्स वाई माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई माइनस ए को रिप्लेस कर दो तो क्या करेंगे टू विल गेट कैंसल, तो वाई माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो वो इधर रख दो चलो, तो दैट विल बी इक्वल टू वॉट x square plus minus x upon dy by dx is equal to a के बदले sorry अब यहाँ पे गड़बड़ होगा ना, a की वैल्यू बनानी है तो what will be a, a को सब्जेक्ट बना लो, क्या होगा a का वैल्यू, यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से a को उस साइड पे ले लो ये माइनस वाले हैं, तो y minus x upon dy by dx is equal to a, so y minus x upon dy by dx whole minus है तो plus हो जाएगा, minus है तो क्या हो जाएगा समझ में आया। अब arrangement करना था, चलो क्या होगा arrangement में, ये क्या होगा बोलो x square plus x square upon dy by dx whole square is equal to इसका LCM लेंगे तो y dy by dx plus x whole square upon dy by dx whole square, तो LCM लेंगे यहाँ पे तो ये क्या होगा इधर dy by dx whole square होगा कि नहीं होगा, बस तो वो ऊपर ले लो and your solution is dy by dx whole square x square plus x square is equal to y dy by dx plus x जाने से ज़्यादा x square common इधर x square common निकलेगा तो 1 plus कर दिया इधर ओके। सो आज इतना ही है, कल हम ये एक्सरसाइज खत्म करके
वेरिएबल सरफेस ऑफ डिजायर, ओके, और वो होमवर्क है आपके लिए और वो